इस समय मौजूद है करनाल हाईवे पर, जहां पर हम आपको बता दें कि मधुबन पुलिस अकेडमी के सामने एक बहुत ही बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एलपीजी से बड़ा एक बड़ा टैंकर किस तरह से यहां पर जीटी रोड के किनारे, हाईवे के किनारे खदानों में जा पलटा है। हम आपको बता दें कि पुलिस मौके पर मौजूद है, लोकल रोड पे व्हीकल्स को बिल्कुल जो है रोक दिया गया है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर है, दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड को लगा दिया गया है। हम आपको बताएं ये गाजियाबाद से ऊना की तरफ जा रहा था एलपीजी का बड़ा टैंकर। आप देख सकते हैं कि मधुबन अकेडमी की जो दीवार है किस तरह से तोड़ता हुआ हाईवे किनारे खदानों में जा पलटा है। एक बड़ा हादसा हुआ है करनाल नेशनल हाईवे पर, जहां की ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो हाईवे के किनारे लोकल रोड है वहां पर व्हीकल्स की आवाजाही पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी गई है। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। तो इस समय ड्राइवर हमारे साथ हैं, आप बताएं कहां से आप कहां जा रहे थे और कैसे हादसा हुआ? सर हम जा रहे थे लोनी से भर के ऊना जा रहे थे, तो उसके कारण मैं सड़क पे था तो रास्ते में बस ने साइड दबा दी। तो किस चीज़ से भरा हुआ है ये? एलपीजी गैस से। तो चोट आई है किसी को? हाँ थोड़ी बहुत है। कितने बजे हुआ हादसा ये? 8:30 के बीच। गैस से भरा हुआ है ये? तो लीक भी हो रही है या नहीं? नहीं नहीं बचा हो गया। तो आए हैं जिनके टैंकर है अधिकारी आ गए हैं? हाँ जी सब आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल जी। तो ये आप देख सकते हैं कि एलपीजी से भरा गेंटर है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर इनके अधिकारी आए हैं कंपनी से, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं? तो ये तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं कि एलपीजी गैस से भरा हुआ जो कैंटर है वो यहाँ पर हाईवे किनारे पड़ गया है। दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। एक बड़ा हादसा हुआ है, किसी तरह का कोई हादसा ना हो जिसके मद्देनज़र लोकल हाईवे पर बिल्कुल व्हीकल्स पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एलपीजी से भरा हुआ बड़ा कंटेनर किस तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है। गर्मी है और गर्मी के साथ साथ दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर बुला ली गई हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। तो ये समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मधुबन हाईवे से, और जैसा कि अभी हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से यहाँ पर एलपीजी से भरा हुआ ये ट्रक यहाँ पर पलट गया है अपने आप में। बहुत कुछ और भी बड़ा हादसा हो सकता था, उस पर ज़रूर रोक लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आप लोगों से अपील है खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से बड़ा हादसा होने से टला ज़रूर है, लेकिन जैसे कि हमने अभी ड्राइवर से भी बात की, जैसे कि ड्राइवर ने कहा कि बस वाले ने उसे साइड मारी जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ा और यहाँ पर आकर ट्रक जो है पलट गया। इतना बड़ा ट्रक एलपीजी से भरा हुआ अपने आप में पलटना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बचाव ज़रूर हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी जो ट्रक के ड्राइवर थे उनसे बात की, उनका भी यही कहना था कि वे हाईवे पर नॉर्मली की तरह जा रहे थे लेकिन बस ने साइड मारी जिसके चलते उनका जो है बैलेंस मिसबैलेंस हो गया जिसके चलते ट्रक जो है पलट गया। हालांकि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, जो ड्राइवर था वो भी हालांकि ठीक है। मधुबन थाना से यहाँ पर हमारे साथ एस एच ओ हैं, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे जो जानकारी आपको मिली इस पूरे। ये जानकारी हमें सुबह मिली थी तो हम तुरंत मौके पर पहुँच गए थे, तो इसमें ड्राइवर भी सेफ है, उसको भी ज़्यादा चोट नहीं है। बाकी गैस वगैरह भी हमने चेक करवा ली थी, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है, हाइड्रा वगैरह आ गई हैं, इसको अभी निकाल के। और कहाँ से कहाँ जा रहा था, किस चीज़ से भरा हुआ है ये? पानीपत से अम्बाड़ा की तरफ जा रहा था, इंडियन गैस है, इसमें एलपीजी गैस से भरा हुआ है। कंपनी के अधिकारी आ गए? कंपनी के अधिकारी पहुँचे हुए। तो लोकल रोड पे व्हीकल्स को रोका हुआ है? जैसे जो सर्विस लेन है उस पर हमने उसको ट्रैफिक को बंद किया हुआ है। फायर ब्रिगेड भी आई है? फायर ब्रिगेड भी आई है। तो ये आपने देखा, जैसा कि हमें यहाँ पर अभी सर ने भी बताया कि जिस तरीके से सर्विस लेन जो है उस पर हालांकि अभी ट्रैफिक को रोका गया है ताकि लोगों को भी कुछ हालांकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन वही आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जिस कंपनी इंडियन गैस की जो एलपीजी गैस से भरा हुआ ट्रक था उसके भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि उस पर जरूर बचाव जरूर होगा, जैसा कि हमें सर ने बताया ड्राइवर जो है वो भी ठीक है, किसी को भी चोटें ज़्यादा नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। किस तरीके से मूवमेंट देखा जाता है बसेस की, अगर रोडवेज की बसेस की बात करें स्पीड ज़्यादा होती है। अभी कुछ देर पहले भी एक बस ने जो है
बाइक सवार को टक्कर मारकर वो फरार हो गई। वही यहाँ पर अगर हम इस एक्सीडेंट की बात करें, जैसे कि ड्राइवर ने बताया कि बस वाले ने साइड मारी, इसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ा और ट्रक जो है पलट गया। इंडेन गैस एलपीजी गैस से भरा हुआ ये ट्रक था। हाईवे की लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है ये खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि जैसा कि हमें यहाँ पर अभी मधुबन थाना के SHO ने भी बताया कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने सब कुछ देखा यहाँ पर कि कहीं कोई गैस लीक तो नहीं है। हालांकि किसी भी तरह से गैस लीक नहीं थी। ड्राइवर जो था वो भी बिल्कुल ठीक है। जो कंपनी के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इसको उठाया जाए। और जैसा कि हमने आपको भी पहले भी बताया कि बड़ा हादसा हालांकि हो सकता था जो कि टल गया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कहीं ना कहीं सभी जो है व्हीकल जो ड्राइवर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी ज़रूर स्पीड पर एक लिमिट रखनी चाहिए। जिस तरीके से भी ड्राइवर ने कहा कि बस ने साइड दी जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ा और इस तरह से ट्रक पलट गया, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रक की स्पीड भी शायद तेज़ ज़रूर हो, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े ट्रक का पलटना वो भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों से अपील कर सकें और यही लोगों तक मैसेज पहुँचा सकें कि स्पीड लिमिट को ज़रूर फॉलो किया जाए ताकि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में होती है। जैसे कि कहा जाता है तो अपनी सुरक्षा खुद से की जा सके, एक प्रॉपर स्पीड लिमिट पर चला जा सके। वही इस समय की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ड्राइवर हालांकि ठीक है, ड्राइवर को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, और जो गैस से भरा हुआ ट्रक था गैस की भी कोई लीकेज नहीं हुई वो भी ठीक है। और जल्द से जल्द इसको उठिया से उठाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मधुबन हाईवे की जो मधुबन के नज़दीक है, जहाँ पर किस तरीके से एलपीजी से भरा हुआ ये ट्रक, इंडेन गैस का ये ट्रक था, जो कि जैसा कि हमें ड्राइवर ने बताया है कि बस वाले ने उसे साइड दी जिसके चलते जो है उसका बैलेंस बिगड़ा और वो यहाँ पर जाकर पलट गया। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जैसा कि हमने SHO से बात की उनका भी यही कहना था कि चोटें नहीं आई हैं ड्राइवर को, ड्राइवर भी ठीक है। साथ ही साथ अगर गैस की बात की जाए, जो एलपीजी गैस से जो भरा हुआ ये ट्रक था, गैस की लीकेज कोई नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशानी ना हो, लोगों के ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके चलते सर्विस लेन जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया पे बंद कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द जो है इसको उठाया जा सके, ट्रक को यहाँ से उठाया जा सके, जो इसके अंदर दूसरे को यहाँ पर आ गए इंजन लगाकर इसको यहाँ से हटाया जा सके। वही साथ ही साथ जैसा कि पुलिस ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस ट्रक की जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी, लीकेज नहीं हुई है, लेकिन अगर कुछ भी लीकेज होती तो उससे कुछ ना कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि किसी को भी कोई चोटें नहीं आई। जो बस ड्राइवर था वो भी, हालांकि वो तो मौके से फरार हो गया, लेकिन जो ट्रक का ड्राइवर था वो भी ठीक है और किसी को भी कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो ये तस्वीरें समय हमने देखी करनाल के नेशनल हाईवे पर मधुबन एकेडमी के सामने जो है आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एलपीजी से भरा हुआ एक बड़ा टैंकर जो है किस तरह से हाईवे के किनारे खदानों में जा पलटा है, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम और कंपनी के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि एलपीजी से भरा हुआ ये गैस कैंटर है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि मधुबन एकेडमी के सामने जा पलटा है, और बड़ी ही एहतियात से इसको साइड में किया जाएगा। जो इंडियन ऑयल की जो स्पेशल टीम है, इंजीनियर्स है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि इस गैस टैंकर को सीधा करना और क्रेन की मदद से इसको हटाना बड़े ही सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर गैस ही गैस भरी हुई है, जो हर चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाएगा ताकि इसको जो है बड़े एहतियात के साथ इसको हटाया जा सके। ऊपर बिजली की तारें भी हैं, हालांकि बिजली की तारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बिजली की तारें ऊपर हैं और गैस का जो कैंटर है वो यहाँ पर पड़ गया है। तो ये आप देख सकते हैं बाइक। तो इंडियन ऑयल से अधिकारी हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से अब इसको हटाया जाएगा, कुछ सेफ्टी मेजर्स जरूर रखे जाएंगे? मैडम बताएगा, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द मीडिया डिपार्टमेंट, थैंक यू। आप बता दें सर, अभी ऐसा ना, हमने इनके लिए क्रेन मंगाई है, जैसे क्रेन आएगी हम इसको उठवा देंगे। सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये लोनी से मेरे ख्याल आगे जा रहा था ऊना तक। तो गैस से भरा हुआ है? हाँ, ये गैस से भरा हुआ है एलपीजी से। तो चेक किया, लीक तो नहीं हो रहा? उसमें कोई लीकेज नहीं है, हमने चेक कर लिया सारा। लेकिन उठाते टाइम सावधानी भी जरूर, सावधानी है कि जो ये बिजली की लाइन है, मेन मुद्दा रहा ये रहेगा, इसको पहले बंद किया जाएगा फिर क्रेन से उठाया जाएगा। एलपीजी से पूरा भरा हुआ जा रहा जी। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र यादव।
आप देख सकते हैं राजेंद्र यादव और तमाम कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा करनाल नेशनल हाईवे पर, किस तरह से आपने देखा कि एलपीजी से भरा हुआ जो यहां गैस का एक टैंकर है वो जा पलटा है, जिसके बाद मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे एहतियात के साथ ही जो है इसको साइड में किया जाएगा। ऊपर बिजली की तारें हैं, स्पेशल इनके जो इंजीनियर्स हैं वो मौके पर आएंगे, क्योंकि जब भी कभी इस तरह का हादसा होता है तो लोकल क्रेन या लोकल पुलिस की मदद से उठाया जरूर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी जरूर बरतनी होती है। जो इनके स्पेशल इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं ताकि किस तरह से इसको गैस टैंकर को यहाँ से पिक करना है, क्रेन की मदद से इसको हटाना है, वो पूरा ही सावधानी से देखा जाता है ताकि गैस टैंकर को कोई नुकसान ना हो। अगर एकदम लीकेज हो जाती है, गैस टैंकर फट जाता है, तो अपने आप एक बड़ा नुकसान जो है कई कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में एलपीजी गैस जो है इसमें भरी हुई है। तो अपने आप में सावधानी जरूर बरतनी होती है। करनाल नेशनल हाईवे 1 पर एलपीजी से बड़ा जो गैस टैंकर है वो यहाँ पर पलट गया है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि क्रेन को बुलाया गया है, क्रेन की मदद से जिस तरह से इंजीनियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि स्पेशल सिगरेट पीने के लिए भी मना किया जा रहा है ताकि कोई सिगरेट बीड़ी आदि यहाँ पर ना पी रहा हो, क्योंकि एक बड़ा हादसा होने का डर यहाँ पर रहता है। और आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल से जो इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और बड़े ही सावधानी पूर्वक जो है इसको हटाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। एलपीजी से बड़ा गैस टैंकर किस तरह से हाईवे किनारे मधुबन अकेडमी के सामने दीवार को तोड़ते हुए जा पलटा है, और अपने आप में एक बड़ा हादसा करनाल नेशनल हाईवे 1 पर हुआ है। और हम आपको बताएं कि इंडियन ऑयल के जो स्पेशल इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं ताकि एक बहुत ही एहतियात बरतते हुए इसको जो है साइड में किया जाएगा। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी घंटे लग सकते हैं। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।